So hello everyone and welcome to my new video. और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना कैलेंडर कैसे बना सकते हैं, कैलेंडर और ये बनाना क्यों ज़रूरी है. अपना कैलेंडर उतना ही ज़रूरी है जितना टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, और ये हमें ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए हेल्प कर सकता है. और ऑर्गेनाइज्ड रहना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम सारे काम टाइम पे कर सकें और हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हम अपना 100% दे सकें. और ये बस पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ ये हमें ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए हेल्प करता है. ये बेसिक लिविंग के लिए बहुत हेल्पफुल है. जैसे हमें कल कहीं जाना है या परसों कहीं जाना है या कोई स्पेसिफिक काम है, हम पहले से प्री प्लान्ड रखेंगे तभी कर पाएंगे. और अगर हम प्री प्लान्ड रखेंगे सारे काम को, तभी अगर कोई काम नया भी आ जाए तो उसको भी कर पाएंगे. बाकी सारा तो हमने प्लान कर रखा था, तो उसके लिए जाहिर है हमारे पास टाइम रहेगा. तो मैं एक मंथली कैलेंडर बना करके दिखाऊंगी जो बहुत सिंपल है, और आप इससे भी सिंपल बना सकते हो. बट मैं ऐसा ही बनाती थी और मैंने यही फॉलो किया है और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है. तो बेसिकली ये बनाने के लिए हमें एक पेज चाहिए, वाइट पेज ज़्यादा सही रहेगा, ब्लैंक आप कैसा भी पेज यूज़ कर सकते हो. मेरे पास ये OMR वाला पेज बहुत सारा बचा हुआ था, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ. और एक स्केल चाहिए. अगर आप बस रफ बना रहे हैं तो इतना प्रिसाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे एक नीट एंड क्लीन बना सकते हो. और कुछ कलर पेंस चाहिए, पेंसिल्स कर सकते हो. क्रेयंस यूज कर सकते हैं, कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं. तो हम लोग बनाएंगे अक्टूबर का. तो हमें 7 days बनाने होंगे और 4 weeks बेसिकली होते हैं. बट एक्चुअली होता क्या है कि हर मंथ तो एग्जैक्टली संडे से या सैटरडे से या मंडे से तो स्टार्ट नहीं होता. तो 5 या 6 weeks के लिए बनाने पड़ेंगे. तो पहले days, तो पहले हमें रफली देख लेना है कि 7 एग्जैक्ट बनाना है. तो 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ओके, सो 1. पहले मैं पर्सनलाइज्ड नहीं बनाती थी, जो कैलेंडर परचेज किया होता है उसी को यूज़ करती थी. बट लॉकडाउन में मुझे मिला नहीं और फिर मेरी मम्मी ने ख़रीदा नहीं, तो मुझे खुद से बनाना पड़ा. और उसके बाद फिर मुझे इससे बहुत फ़ायदा लगा. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप परचेज भी कर रहे हो, फिर भी आप एक पर्सनलाइज्ड तो रखो ही, बिकॉज इसमें आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो और इसमें स्पेस भी है.
Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. तो हम लोग 6 कॉलम ही बनाते हैं बिकॉज अक्टूबर तो 31st का होगा ना. सो अगर हमारा 5 में ही हो जाएगा तो हमें एक एक्स्ट्रा मिलेगा जिसमें कि हम मार्किंग्स कर सकते हैं कि कब हमें क्या करना है, इस वीक में इस दिन हमें नेल्स कट करने हैं या जो भी कुछ भी कोई टेस्ट आने वाला है. ओके, सो दिस इज़ डन. तो आप ये कलर्ड से भी कर सकते हो बट मैं प्रेफर करती हूँ मोनोक्रोम ही, तो मैं ब्लैक्स ही बनाऊंगी. एंड हाँ, मोस्टली पीपल वीक स्टार्ट करते हैं संडे से बट मैं मंडे से ही स्टार्ट करती हूँ. सैटरडे वीकेंड्स में एंड में रखती हूँ और संडे को मैं रेड से करती हूँ. आप चाहो तो सारे अलग अलग कर सकते हो, या अगर आपका वेडनेसडे फेवरेट है तो आप वेडनेसडे को कर सकते हो डिफरेंट कलर से. सो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पेन से या कलर्ड पेन से या स्केच पेन से बनाने में तो आप पेंसिल से बना लो और फिर चेंज कर लो, या पेंसिल से ही रहने दो. सो 6 कॉलम्स मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट वीक और लास्ट वीक भी आ जाता है. जैसे कि फर्स्ट अगर सैटरडे को होता तो 31st नेक्स्ट वीक में चला जाता. तो ये कॉलम अगर आप नहीं बनाना चाहो, इसे एक्स्ट्रा करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो. फिर आपको स्पेसेस ज़्यादा मिलेंगे कुछ भी लिखने के लिए. ऐसे किसी न किसी में एक वीक आगे में या पीछे में या दोनों में एक्स्ट्रा स्पेस तो रहता ही है कि आप कुछ लिख सको. अब आप कुछ मार्क करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि आपका मान लो 11 को टेस्ट है तो. टेस्ट ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब आप नहीं कर सकते हो. अगर आपका एग्ज़ाम है इस मंथ तो आप ये सब बिल्कुल ना करो. ये एक्स्ट्रा टाइम अगर आपको है, अगर आपको कुछ करना है तो यही कर लो, इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है. और बट ये सब नेसेसरी नहीं है. तो मैं 19th को आइसक्रीम खाने जाऊँगी, मेरी मम्मी ने प्रॉमिस किया है और मैं खुद ही भूल जाती हूँ, इसलिए अच्छा है कि मुझे याद रहे.
सो या बन गया। होप दिस हेल्प्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन हिट लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय। सो एज यू कैन सी, इसमें मैं अपने पर्सनलाइज्ड काम लिख सकती हूँ कि हाँ किस दिन मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। और हाँ बिल्कुल, मैं सुबह उठ करके ये पहले चेक करती हूँ। इनफैक्ट मैं दिन भर में बहुत बार चेक करती हूँ बिकॉज मैं भूल जाती हूँ बहुत कुछ। तो आप जब मंथ एंड होगा तब तो ये बिल्कुल गंदा हो जाएगा आप जो भी लिखोगे इसमें भर जाएगा। लेकिन हाँ, इतने स्पेस में मेरा हो जाता है, आपका भी हो जाना चाहिए। आपका नहीं होता है तो आप इससे बड़ा पेज भी यूज़ कर सकते हो या फिर 15-15 डेज का भी बना सकते हो। बट आई डोंट थिंक उसके लिए जर्नल्स होते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं।